हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल अवेयरनेस चैनल में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी गाड़ी आसान इकसाथ पर UBL से ले सकते हैं, UBL किस तरह से हमें गाड़ी प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो आगे देखते रहिए। UBL पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है जिसकी 1400 ब्रांचेज हैं और ये प्राइवेट सेक्टर में दूसरे नंबर पर है। UBL तमाम लोगों को कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी देता है। आप इसके पुराने कस्टमर हैं या नए कस्टमर, आपका UBL में अकाउंट है या नहीं है, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों ही को UBL कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी फ्राहम करता है। आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका अपना बिजनेस है, UBL तमाम लोगों को कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी फ्राहम करता है। फाइनेंस की जो फैसिलिटी UBL फ्राहम करता है वो यूज्ड गाड़ियों पर और नई गाड़ियों पर, मकामी गाड़ियों पर और इम्पोर्टेड वहीकल पर है। 1 से 5 साल तक UBL कार फाइनेंसिंग फ्राहम कर रहा है और ये बैंक 40 लाख तक का लोन फ्राहम कर रहा है। इसमें थोड़े से चार्जेस होते हैं जो आपको पे करना होते हैं। लोन की जो रकम आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के ज़रिए UBL को पे करना होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग इसके अहल हो सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। CNIC की कॉपी और 4 फोटोग्राफ चाहिए। आपकी जो एज है 21 से 60 साल तक होनी चाहिए और आप जॉब करते हैं, अगर आपका कोई अपना काम है तो 21 से 65 साल तक आप इसके अहल हो सकते हैं। कम से कम आपकी सैलरी जो है 35,000 होनी चाहिए और अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बिजनेस का प्रूफ देना होगा और दूसरी कोई इनकम है तो उसका भी प्रूफ देना होगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप की कॉपी, NTN सर्टिफिकेट और इसके अलावा साइनड अप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड है। ये तमाम डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर मैं आसान जबान में बात करूं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 4 फोटोग्राफ, आपकी सैलरी का प्रूफ, आपके कारोबार का प्रूफ, आप किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं उसका प्रूफ। अभी मैं आपको UBL का जो कैलकुलेट प्लान है उसमें तफसील से आपको बताऊंगा और जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया और जो नए लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये कैलकुलेट प्लान है, इसमें कार टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, न्यू या यूज्ड, मैं न्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सुजुकी कल्टस या आप कोई और यहाँ से चूज कर सकते हैं, मैं सुजुकी कर लेता हूँ और कल्टस डन। उसके बाद ये यहाँ पर आप सिटी सिलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर ये पेशावर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टेनूर है, ये आप 5 साल या 7 साल या 4 साल जितना भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, मैं 5 साल। उसके बाद डाउन पेमेंट 20% कैलकुलेट करता हूं तो हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सुजुकी कल्टस की जो टोटल इसकी अमाउंट है 12,85,000 है। डाउन पेमेंट हम पे करेंगे UBL को जो 2,57,000 है और मंथली जो है 22,598 तकरीबन। इसके अलावा 3,14,400 हमने पे करने हैं, डिपॉजिट पे करना है UBL को। इसमें तफसील से मैं बताता हूँ, डाउन पेमेंट है 2,57,000, उसमें प्रोसेसिंग फ़ी है, जो चार्जेस हैं UBL के वो 6,000 रुपये हैं और इसके अलावा इंश्योरेंस है पहले साल की 51,400 और ये टोटल हो गए 3,14,400 जो पहली दफ़ा हमने UBL को पे करने हैं गाड़ी लेने के लिए। उसके बाद पहले साल में 26,453 हर महीने UBL को पे करने हैं और दूसरे साल 26,239 और इसी तरह तीसरे साल 26,025 रुपये हर महीने UBL को पे करने हैं, चौथे साल 25,811 और इसी तरह बेल तरतीब पाँचवें साल में 22,598 रुपये
हर महीने हमने UBL को पे करने हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।